अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली याद आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बिस्टर गौर साहब ने, आप जानते हैं, बानी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मुलाकात की और कल 13 जनवरी को पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतहाबी निशान जो है वो अलाट कर दिए जाएंगे। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के बाद तहरीक-ए-इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली बल्ले की सूरत में, नहीं तो उनके जो है वो उम्मीदवार आजाद हो जाने थे और मेजॉरिटी में ये आजाद हो जाने थे। उसके बाद सिचुएशन जंगीर तरीन साहब के हाथ में, जिन्हें वो अपने जहाज भर भर के मरलटोन में लाके कुछ बड़ा कर सकते थे, मगर तहरीक-ए-इंसाफ के जो इस वक्त मौजूदा एक्टिंग चेयरमैन है बिस्टर गौर साहब, उन्होंने, आप जानते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ के साथ चेयरमैन के साथ जो है बानी भी है, चेयरमैन भी है, उनके साथ मुलाकात की और टिकटों का एक फाइनलाइज हो गया। इस विलाग में सिर्फ मैं आपके साथ टिकटों की मालूमात दूंगा, एक बड़ा अहम विलाग है, डेफिनेटली आप लोग ये सुनना भी चाहेंगे और जो मजीद अपडेट होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट विलाग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी, खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट जारी। अगर कोई इसे नोट करना चाहे ताकि मैं इसको बड़ा स्लोली बोलूंगा ताकि आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप भी अगर कोई डाटा अपने पास रखना चाहे तो मिल सकता है। NA-10 बिस्टर गौर साहब, NA-11 हाजी सैयद फरीन शाह, NA-28 साजिद नवाज, NA-29 अरबाब आमर, PK-28 शौकत यूसफ जई, PK-29 अब्दुल मनाम, PK-30 सदर रहमान, रेहाना इम्तियाज डार को सियालकोट से तहरीक-ए-इंसाफ की टिकट जारी। मेरा इनका NA-70 बनता है। मियां वाली से इमरान खान के दरीना साथी जमाल अहसन खान इमरान खान के हल्के 89 NA से तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। और याद रखिएगा, यहाँ पे तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान ने सब के जो कागजात थे उनको अभी तक जो है वो क्लियरेंस नहीं मिली। आमर मुगल इस्लामाबाद से तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार होंगे, ये मेरा हाल है, अभी इसकी कोई NA नहीं आया। शेखुपुरा से हुरम मुनवर मांज तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। गुजरांवाला NA-81 से राणा बिलाल इजाज उम्मीदवार होंगे। साहबजादा हामिद रजा को भी तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट जारी। अली मीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान से तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार। और याद रखिएगा, अली मीन गंडापुर मौलाना फजल रहमान साहब को टफ टाइम देने के लिए बिल्कुल तैयार है। NA-49 से मेजर ताहिर सादक और NA-50 से ईमान ताहिर सादक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार, यानी कि बाप बेटी को टिकट मिली है। तहरीक-ए-इंसाफ यूथ विंग के पीके के सदर मीना खान अफरीदी को PK-83 से टिकट जारी। मियां वाली NA-90 से ब्रिस्टर उमैर नैदवी को तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट जारी। नईम हैदर पंजोथा तहरीक-ए-इंसाफ सरगोधा से टिकट होल्डर, जुल्फकार वट्टो को तांदला और ब्रिस्टर मुबशर को सियालकोट से MNA के टिकट जारी। वजीराबाद से तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार NA-66 से मोहम्मद अहमद चट्ठा, बिलाल उमर बोदला उकाड़ा दीपालपुर से तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। लाहौर से हाफिज फरत अब्बास और अमार बशीर को टिकट जारी। नारोवाल चौधरी अरसलान हफीज को टिकट जारी। जुबैर नियाजी को हल्का PP-173 से टिकट जारी। NA-129 से हमाद अजहर के वालद साबका गवर्नर पंजाब मियां अजहर सदीक को टिकट जारी। सुलेमान अकरम राजा NA-128 लाहौर से तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। मलक उस्मान हमजा NA-120 से, जरताज गुल को DG हां से NA-185 से, रावलपिंडी से समीबा ताहिर NA-57 तहरीक-ए-इंसाफ की उम्मीदवार होंगी। शुएब शेन इस्लामाबाद से तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार, गुल जफर खान बजोड़ से तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार, फैसलाबाद PP-108 से तहरीक-ए-इंसाफ के राणा आफ्ताब अहमद खान को पार्टी टिकट जारी। कमालिया से NA-107 से तहरीक-ए-इंसाफ के रियाज फतियाना को टिकट जारी। ननकाना साहब NA-112 से तहरीक-ए-इंसाफ ने ब्रिगेडियर रिटायर इजाज शेख को टिकट जारी कर दी। NA-70 से ब्रिस्टर मुबशर जो कि तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार होंगे, इनका मुकाबला फरदोस अशगवान और अरमगान सुबहानली से होगा। मगर यहाँ पे मुझे NA थोड़ा सा बोल रहा है, शायद NA-71 होगा फिर, जो कि रेहाना डार, उस्मान डार और उमर डार की वालदा है, क्योंकि NA-70 से ब्रिस्टर मुबशर का मुकाबला होगा फरदोस। याद रखिएगा, ये तहरीक-ए-इंसाफ की हैं, तहरीक-ए-इस्तेहकाम पाकिस्तान की है और अरगमान सुबहानी मुस्लिम नून से है। NA-149 आमर डोगर को PTA की टिकट जारी, ये मुल्तान से है और बहुत दरीना साथी इमरान खान के। और मियां असलम इकबाल को PP-171 से पार्टी टिकट जारी। मियां असलम इकबाल और इस दफा उम्मीदवार भी वजीर अला के वही होंगे तहरीक-ए-इंसाफ की जानब से, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। शेखुपुरा NA-115 से तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार मियां अली बशीर, हुरम शदाद विर
आउट ना आउट उन्हें ना एनए की मिली है और ना पीपी की, और ये विरको का एक बहुत बड़ा वहां पे इज्तिमा है, मगर ये देने वालों ने अपने हिसाब से दी होगी। उकाड़ा से सैयद अली रजा गिलानी एनए 137 से, चौधरी अब्दुल्ला ताहिर एनए 136 उकाड़ा से, मियां अरशद अली एनए 136 हवेली लखा से, जुल्फकार वट्टो एनए 97 तांदलावाला से, जड़ावाला एनए 96 से, राय अली अदर, जुनेद अकबर एनए 9 तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार, चौधरी अलियास एनए 62 गुजरात से, मंडी बावलदीन एनए 68 यानी कि 68 से, हाजी इम्तियाज चौधरी महाड़ी एनए 156 से तहरीक इंसाफ के, आयशा नजीर जट एनए 130 से तहरीक इंसाफ के, डॉक्टर यासमिन राशिद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट जारी, चीचा वतनी पीपी 203 से तहरीक इंसाफ के, राय मोहम्मद इकबाल जंग एन 108 से, साहबजादा महबूब सुल्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार। तो ये एक डाटा था और मजीद भी इंशाल्लाह ताला जैसे ही आपके साथ आएगा तो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, मगर ये एक खबर थी। इंशाल्लाह ताला जो मजीद अपडेट होगी वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। ये तहरीक इंसाफ की वर्थ है और आपने देखा होगा तहरीक इंसाफ ने इस दफा न्यू को भी अप्लाई किया और जो इनके साथ डटे हुए थे खड़े हुए थे उनको भी जमाया है, और इनमें कई ऐसे मैं नाम जानता हूं जो कि बिल्कुल तहरीक इंसाफ के बहुत पुराने दरीना दोस्त साथी, आपने कारोबार बंद होने के बावजूद अपना सिस्टम ब्लॉक होने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ के साथ रोजे रोशन की तरह अय्या खड़े रहे हैं। अभी तक अब तब तक की अपडेट थी, ब्लॉग भी पसंद था तो कैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट तक के लिए होस्ट को जय दी अल्लाह का हमला सलो, अस्सलाम वालेकुम।